सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक। ये लुक खाली काजल लुक क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैंने सिर्फ काजल यूज किया है एंड मेरा पूरा आई मेकअप किया है बस काजल यूज करके। एंड प्लस मैं अपना एक टिप भी शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ आपका काजल बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा एंड ऑफकोर्स ये लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने बेस अपना कंप्लीट कर लिया है एंड मुझे आपको दिखाना था कि विद काजल कितना ब्यूटीफुल लुक निकल के आता है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द काजल। सो यहाँ पे काजल जो मैं यूज कर रही हूँ वो है मामा अर्थ का ये काजल। दिस इज चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल। दिस इज एब्सोल्यूट फेवरेट, मतलब ये कहीं नहीं जाने वाला। लाइक मेरी आईज बहुत वॉटरी है बट मेरी आईज पे भी ये काफी अच्छे से सूट करती है बिकॉज ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होती है। एक बार उसे ड्राई होने दे फिर बिल्कुल भी स्मज नहीं होगी। तो मैं इसके साथ लुक क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल लगता है। ऑब्वियसली मैं भी पहले ना ये काजल नहीं लगाती थी बिकॉज मेरी आईज छोटी है तो मुझे लगता था नहीं सूट करता, बट अब मैंने जिस तरीके से उसे लगाना स्टार्ट किया है तो वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक पहले स्मच हो जाता था तो वो और पूरा बिखरा बिखरा हो जाता था, बट ये तरीके से आपका काजल कहीं नहीं जाने वाला। तो पहले आपने काजल अप्लाई कर लेना है। फिंगर की हेल्प से आपको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना उसे। देन अगेन से उसके ऊपर काजल लगाना है, ये ब्लेंड कर देना है ताकि स्मोकी लुक आ जाए। एंड इमीडिएटली ब्लेंड करना, दोनों आईज पे लगा के ब्लेंड मत करना वरना ये ड्राई अगर हो गया एक बार देन ये स्मज नहीं होगा। सो कीप दैट इन माइंड। देन टेक एनी ब्लैक आई शेडो और थोड़ा सा उसके ऊपर लगा दो। सेम काजल को लोअर वाटर लाइन पे भी अप्लाई करना है। अगेन आई शेडो को नीचे भी डैप करना है। एंड यू कैन लुक इट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी तो ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है और अभी से मुझे ये काफी अच्छा लगने लगा है। दूसरे आई पे भी कंप्लीट करके आती हूँ। सो आई एम डन विद द मस्कारा एंड आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। बेसिक सा है बट येट एनी फेस्टिवल पे आप इसे मतलब इजीली क्रिएट कर सकते हो और बहुत सुंदर दिखेगा। कोई भी अटायर वेयर करो ये उसके साथ जाता है, चाहे आप वेस्टर्न वेयर करो चाहे आप इंडियन वेयर करो कोई भी वेयर करो उसके साथ बहुत इजीली जाता है। तो ये लुक क्रिएट करने के बाद ये प्रॉब्लम है कि लिपस्टिक कौन सी लगाए बिकॉज लिपस्टिक में मैट भी चाहिए बिकॉज मैट अच्छा लगता है ट्रेंड में भी रहता है बट उसके साथ भी सॉफ्ट भी चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे लिप्स क्रैक हो जाए या फटे फटे से दिखे। लिपस्टिक लगाने के बाद वो फटे वाले लिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो मामा अर्थ की ये लिपस्टिक। दिस इज मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। तो ये कुछ इस तरीके की है। आई हैव मल्टीपल शेड्स इन इट। एब्सोल्यूट फेवरेट इज नंबर 14 पीच न्यूर। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कुछ इस तरीके का शेड है। इट प्रोवाइड्स 12 आवर्स लॉन्ग स्ट्रे विथ वन स्ट्रोक एप्लीकेशन एंड स्मच प्रूफ एंड एनरिच विथ एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई फॉर मॉइस्चराइजेशन। तो या मैं पहले ये अप्लाई करूंगी एंड देन रेड में भी जाके आपको दिखाऊंगी कि दोनों में डिफरेंस कितना है और कितना अच्छा लगता है।
तो या फर्स्ट मैं ये अप्लाई करती हूँ। अब देख सकते हो एक स्वाइप पे इतना अच्छा पिगमेंटेशन दिया है इसने, लाइक आई लव इट। और ये मैट भी है और मॉइस्चराइजिंग भी है, तो और तो क्या ही चाहिए यार। सो इट कम्स इन 17 डिफरेंट शेड्स एंड सुटेबल फॉर ऑल इंडियन स्किन टोन्स, एंड यू कैन यूज एज पर योर मूड, फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल, पूजा एक्सेट्रा, एंड यूज डेली ऑल्सो। सो यार दिस इज हाउ इट लुक्स, मैट लिपस्टिक, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छी, लाइक बिल्कुल भी लाइट वेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैंने कुछ वेयर किया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब बिल्कुल हैवी ना लगे ना, तब लिपस्टिक लगाने का बड़ा मजा आता है, चाहे फिर वो कोई भी सीजन हो। तो या दिस इज हाउ इट लुक्स। सो मैं अभी आपको रेड लिपस्टिक में भी ये वेरिएशन करके दिखाती हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से ये मेकअप भी टर्न आउट होता है विद रेड्स ऑल्सो। अगर आपको सटल लुक की तरफ जाना है तो आप यूज कर सकते हो न्यूड लिपस्टिक, एंड अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड लुक चाहिए, कोई पार्टी लुक या कोई बोल्ड लुक चाहिए, तो रेड पे भी जा सकते हो। तो रेड मैं आपके साथ शेयर करके दिखाती हूँ। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लिपस्टिक इन द शेड 06 मेलन रेड। वेरी ब्यूटिफुल कलर दिस इज। लुक एट द वन स्वाइप पिगमेंटेशन, सो ब्यूटिफुल। सो ये मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसा जाता है इस लुक के साथ। रेड लुक सो ब्यूटिफुल। तो कितना ब्यूटिफुल सा लग रहा है रेड। ऑफ कोर्स ये आप किसी बोल्ड लुक के साथ जा सकते हैं, लाइक थोड़ा सा अगर आपको ग्लैम अप करना है तो आप इस तरीके से रेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इट्स लुक रियली गुड। लाइक ये वाला जो रेड है ना, ये एक कूल टोन रेड है जो बहुत सुंदर लगता है इंडियन स्किन टोन्स पे। मतलब जस्ट लुक एट इट यार, कितना ब्यूटिफुल लग रहा है। सो या तो आप ये सारे शेड्स बाय कर सकते हैं। मैं सारे शेड्स आपको एक बार शो कर देती हूँ कि वो कैसे दिखने वाले हैं, एंड आपको जो पसंद है वो बाय कर सकते हो, सारे कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड सारे ही वर्सेटाइल शेड्स है तो बहुत अच्छे हैं। सो या सो ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड आर ऑल नेचुरल, एंड यू कैन परचेज देम फ्रॉम नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट, एमेजॉन एंड मामाअर्थ ऑफिशियल ऐप। मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से आप परचेस करने पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, विच इज NJ2023 टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। तो जल्दी से शॉपिंग करो, वेट क्यों कर रहे हो। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड दे आर प्लानिंग टू प्लांट 1 million tree as a part of this initiative. So yeah, that was it for the day. I hope you like my video. अगर आपको मेरा video पसंद आया है तो like, share, comment जरूर करना। साथ ही साथ new हूँ मेरे channel पे, तो wait क्यों कर रहे हो यार, जल्दी से subscribe करो, it would mean a lot to me. मिलती हूँ अपने किसी अगले video में, till then take care, bye.